हाय, आप देख रहे हैं लल्लन टॉप। साउथ इंडियन फिल्मों के सुपरस्टार महेश बाबू की नई फिल्म आ रही है। वही महेश बाबू जी जिनकी जिगर कलेजा आपने सेट मैक्स पर सैकड़ों बार तो देखी ली होगी। खैर, उनकी नई फिल्म जो है उसका नाम है सरीलेरु नीकेवरु। फिल्म का टीजर आया है जो काफ़ी चर्चा में है। इसका पहला जो रीज़न है वो है खुद महेश बाबू, दूसरी बात है कि फिल्म का देशभक्ति जो मोड है वो पूरा ऑन है, और तीसरी बात यह है कि ये खूब देखा और पसंद किया जा रहा है। ऐसा क्या है इस फिल्म में जो मार्केट में इतना रौला फैला दिया है इसने, ये हम आपको बताते हैं। तो पहली बात, फिल्म का जो टीजर आया है उसे देखकर पता चल रहा है कि ये एक आर्मी मैन की कहानी है, बॉर्डर पर देश के लिए लड़ रहा है, साथ में महेश बाबू का वॉइस ओवर चल रहा होता है। इसी बीच हमें इस जवान के उस फेज में ले जाया जाता है जहां वो बमुश्किल मिलने वाली छुट्टियों में घर आया हुआ है। यहाँ पर भी वो अपने आसपास के लोगों की भलाई में लगा हुआ है। भरे बाजार में एक आदमी से भिड़ गया क्योंकि वो एक महिला को परेशान कर रहा था और तमाम तरह की बातें। दूसरी बात, महेश बाबू हमेशा से मास स्टार रहे हैं, उनकी मास अपील रही है, उनकी फिल्में हीरोइज्म वाले जोन में रहती हैं। यहाँ भी वही चीज़ है, लेकिन साथ में देशभक्ति का करारा तड़का भी लगा हुआ है। नतीजन पूरा टीजर देशभक्ति में भीगे हुए डायलॉग से पटा पड़ा है, लेकिन आपको रेगुलर महेश बाबू फ्लेवर भी फिल्म में मिलेगा। यहाँ भी वो अकेले 50 बंदों को ढेर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मजा तो आखिरी सीन में आता है जब महेश बाबू निकलते हैं और उनके पीछे लड़के अपने आप गिरते चले जाते हैं। खैर, अभी सिर्फ टीजर आया है इसलिए ज्यादा जजमेंटल नहीं हो सकते, क्रिटिकल भी नहीं हो सकते। तीसरी बात, महेश बाबू के अलावा इस फिल्म में जो उनकी लीडिंग लेडी के रोल में है वो है रश्मिका मंदाना। रश्मिका अर्जुन रेड्डी फेम विजय देवकोंडा के साथ डियर कॉमरेड में दिखाई दी। इस फिल्म से मशहूर एक्ट्रेस विजय शांति 13 साल बाद अपना कमबैक भी कर रही हैं। साथ में है प्रकाश राज। हिंदी फिल्म ऑडियंस उन्हें वॉन्टेड के गन्नी भाई और सिंगम के जयकांत शिकरे के नाम से पहचानती है। चौथी बात, इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं अनिल रविपुड़ी। अनिल ने अपने करियर की शुरुआत एज डायलॉग राइटर की थी। तकरीबन 8 फिल्मों में डायलॉग्स लिखने के बाद 2015 में उन्होंने अपनी पहली फिल्म पतास डायरेक्ट की। उसके बाद अब तक वो 4 फिल्में डायरेक्ट कर चुके हैं। उनकी पिछली फिल्म F2 फन एंड फ्रस्ट्रेशन 2019 के जनवरी में रिलीज हुई थी। अब वो महेश बाबू को लेकर ये वाली फिल्म ला रहे हैं। पाँचवीं बात, फिल्म का पहला शेड्यूल महेश बाबू के साथ कश्मीर में 5 से 20 जुलाई तक शूट किया गया था। दूसरे शेड्यूल की शूटिंग हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में हुई। टीजर के घर वाले हिस्से के बैकग्राउंड में जो बड़ा सा फोर्ट नजर आ रहा है ना, वो कुरनूल का कोंडा रेडी फोर्ट है। इन सीन्स को भी फिल्म सिटी में कुरनूल का सेट बनाकर ही शूट किया गया है। बताया जा रहा है कि इस सेट को बनाने में 4 करोड़ रुपए का खर्चा आया था। जहां तक सरीलेरु नीकेवरु की रिलीज डेट का सवाल है तो ये फिल्म 11 जनवरी 2020 को थिएटर्स में लगेगी। अब जाइए फिल्म का टीजर देखिए, आप बताइए कि आपको क्या फील आ रही है, ट्रेलर का इंतजार करेंगे या नहीं करेंगे, सब बताइए। ऐसी और खबरों के लिए सिनेमा जगत की आप लल्लन टॉप को फॉलो करते रहिए, हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करिए क्योंकि वहाँ पर भी आपको सब कुछ यानी फोटोज वीडियोज और स्टोरीज देखने पढ़ने को मिलेंगी। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय।